शहर से कोसों दूर इस झील में ये प्लेन आकर क्रैश होता है। क्रैश होने के तुरंत बाद जूली और उसके पति जैसे तैसे तैरकर किनारे पर आते हैं, पर उनके यहाँ से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है सैटेलाइट फोन, जो कि प्लेन के साथ अब भी पानी के नीचे ही डूबा हुआ है। इसलिए जूली अपने कपड़े और पेंट उतारकर उस फोन को लाने पानी में जाती है, पर पानी हद से ज्यादा ठंडा होने की वजह से वो वापस आने लगती है। लेकिन इससे भी वो रुकती नहीं। अब वो अपने कपड़े पहनती है और एक बड़े से लकड़ी को पानी में डालती है। फिर उसके जरिए जूली तैरते हुए तालाब के बीच में चली आती है। अब वो डुबकी मारती है और बहुत मशक्कत के बाद प्लेन के अंदर से दो बैग निकालकर अपने साथ ऊपर लाती है। फिर किनारे पर देखने पर उसके तोते उड़ जाते हैं, क्योंकि अब किनारे पर एक जंगली भालू आ चुका था। जूली चिल्लाकर उस भालू को भगाने की कोशिश करती है, पर भालू जूली का बचा कुचा खाना खाकर अब लड़के की तरफ जाने लगता है। अब ये देखकर जूली और जोर से चिल्लाती है, पर भालू लड़के पर कोई इंटरेस्ट ना दिखाकर वहां से चला जाता है।